अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मामा इन विल्दान। अब आप देखें ये मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले ये मैं नहीं करी, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह मैं आपको दिखाती हूँ मैंने विल्दान के लिए क्या ऑर्डर किया है। ये दिखाने के बाद मैं वीडियो को आगे लेके चलूँगी और फिर आपको जो जो होता रहा वो सब दिखाऊँगी। वीडियो अगेन लास्ट टाइम आपने देखा होगा, ये वही वीडियो है, उसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने विल्दान के लिए मोस्ट ट्रेंडिंग टॉय ऑर्डर किया और मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूं। यहाँ पे विल्दान के पापा जो हैं वो उसे अनबॉक्स कर रहे हैं और मैं वो पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये है फिजेट स्पिनर्स। इतने अरसे से मैं चाह रही थी कि मुझे कहीं से अच्छी क्वालिटी के फिजेट स्पिनर्स मिल जाएं। ये स्पिनर्स जो हैं ये आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स में मैंने ऑर्डर किए हैं, मतलब ये एक पूरा एक पैकेट ऑर्डर किया है और ये इसी तरीके से आए हैं। और ये एक ऐसा पेज है जहाँ से मैंने ऑर्डर किया, जहाँ पर मैंने बहुत सारे, क्योंकि मैं चाइना में रह कर आई हूँ सो आई नो वहाँ किस तरह की क्वालिटी है और किस किस तरह की क्वालिटी पाकिस्तान में आती है, तो मैं बहुत सारे पेजेस से ऑर्डर करती रहती हूँ। लेकिन मैंने इनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी थी और मुझे बहुत पसंद आए थे ये स्पिनर्स बहुत सारी वीडियोस में सबने ही लगाए हैं और ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग बाय कर चुके हैं अपने बेबीज़ के लिए। ये तब लेते हैं, नहीं ये आप घर में भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी रहता है जब आप बेबी के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपने ये कहीं पे भी लाइक विंडो पे लगा देना है। अगर आप एरोप्लेन में बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वहाँ पर विंडो सीट पे आप लगा देंगे तो बच्चा जो है उससे खेलता रहेगा, स्पेंड करता रहेगा। इसी तरह से आप हाई चेयर पे भी ये लगा सकते हैं। मैं आपको मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करती हूँ, मैं उसमें दिखाती रहती हूँ कि देखें ये एक्टिविटीज़ विल्दान कर रहे हैं और मैंने ये स्पिनर्स भी यूज़ किए हैं उसमें। हमसे काफ़ी सारे लोगों ने उसी वक्त इनबॉक्स मैसेजेस में पूछ लिया था तो मैंने कहा नहीं मैं YouTube पे वीडियो लगाऊंगी, वो आपने देखना है। और उसमें अनबॉक्सिंग है और ये देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं कि इसकी सक्शन क्वालिटी कैसी है। मैं अगर दिखाती तो इतनी डिटेल में नहीं दिखाती, लेकिन उन्होंने एक एक चीज़ इसकी चेक की और ये बिल्कुल मैंने विल्दान के पापा ने और विल्दान ने अप्रूव किया है। विल्दान बिल्कुल भी से जब मैंने हाई चेयर पे ही लगाया था, ये भी आप टेबल है जो मैंने दराज से ही ऑर्डर की थी, इस टेबल पे मैंने लगाया तो भी नहीं निकल रहा था, इसकी सक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। इसके साथ ही मैंने ये फ्रिज पे लगा के चेक किया तो बहुत ही सक्शन वहाँ पे भी स्ट्रांग थी, विल्दान जो है निकाल नहीं सके। इसके अलावा मैंने कार की विंडो पे भी लगा के देखा, अभी तक हमने ट्रैवल नहीं किया बहुत लंबा, लेकिन अगर मैंने ट्रैवल किया तो मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ या क्लिप्स जो है वो इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि यार ये मतलब लाइक इट्स अ वेरी नाइस क्वालिटी इन्होंने, ये दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड रिव्यू, ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है। और मुझे जहाँ से जो चीज़ पसंद आती है, यू नो पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, इतने हार्डवर्क के बाद कोई चीज़ बच्चों के लिए लेते हैं और जब वो आप ऑनलाइन ले रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि क्वालिटी कैसी है, तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ इसी तरह की चीज़ें शेयर करूँगी। अब आप ये देख सकते हैं कि कितना क्यूट सा टॉय ऊपर लगा हुआ है इसके, और बच्चे को तो ये बहुत इंगेज रखता है काफ़ी देर तक। विल्दान जो है मैं हाई चेयर पर ही लगा देती हूँ और मैं अपने काम सारे आराम से निपटा लेती हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि विल्दान के सारे टॉयज़ शेयर करें तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी चलते हैं किचन की तरफ। मैंने विल्दान के लिए कुछ खाना बनाने के लिए रखा था। हाँ जी, ये देखे विल्दान के लिए मैं क्या बना रही हूँ। ये मैं एप्पल की प्योरी आज बना के रख रही हूँ। मेरे पास एप्पल्स हमेशा मौजूद होते हैं, आप इग्नोर करिएगा, किचन थोड़ा सा गंदा हो रहा है, सुबह का टाइम है, अभी क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी तो हम ये कर लेते हैं। देखें ज़रूरी नहीं है आपके पास बड़ी अच्छी अच्छे इक्विपमेंट्स हों, आपके पास मशीन्स हों, ब्लेंडर्स हों, ना जी ना, आपने ये जो पोटैटो मैशर है इससे भी आपने मैश कर लेना है तो बहुत ईजीली मैश हो जाता है। बजट फ्रेंडली चीज़ें लें, बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हैंड ब्लेंडर्स लें, और अगर घर के लिए ले भी लें तो इट्स ओके। एनीवेज़ यहाँ पर जो है मैंने अपने लिए चाय रख दिया और एग बॉईल करने के लिए रख दिया विल्दान के लिए। जब तक दूध बॉईल होता है, अंडा जो है वो बॉईल हो जाता है, तब तक मैंने ये आटा गूंद के रख दिया था अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। और यहाँ पर विल्दान की जो है वो सूजी भी रेडी हो गई थी। यहाँ पर विल्दान सो रहे थे, मैंने उनको उठाया, नाश्ता कराया और उसके बाद कुछ देर वो बैठे रहे। और यहाँ पर फिर मैंने, क्योंकि मैं घर के बहुत सारे काम खुद ही करती हूँ तो मैंने सोचा, मैं अक्सर ये करती हूँ कि विल्दान के लिए टब प्रिपेयर कर देती हूँ। इसका फ़ायदा ही होता है कि काफ़ी देर विल्दान जो है वो पानी में खेल के इंजॉय कर लेते हैं और मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। अब यहाँ पर आप काफ़ी सारी बॉटल्स देख रहे होंगे, ये डिफरेंट किस्म के घी और तेल है मेरे पास जो कि
विल्दान के पापा के गांव से आते हैं स्पेशली हमारे लिए, और मेरी सास जो है वो भेजती है। इसमें जो है प्योर सरसों का तेल है, बाकी सारे असली घी हैं। जो बॉक्स में है वो नकली घी है, यानी लोकल घी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। पता नहीं आप लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी इसमें इतना टेस्ट होता है और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो फिर मैं अक्सर खानों में यही ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैंने फूड पांडा से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, वो भी आ गई थी, तो फिर मैंने वो ले ली। और लेने के बाद मैंने सोचा चले इसे खोलकर अब सारी जो है वो जगहों पे रख देते हैं। और मैं क्योंकि थोड़ा सा ऐसे एरिया में रहती हूँ लाइक जहाँ पर बहुत ज़्यादा कमर्शियल एरिया नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं है, सो व्हाट आई हैव टू डू अगर इफ़ हस्बैंड इज़ नॉट होम और मुझे कुछ चाहिए होता है, तो फिर मुझे फूड पांडा का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ उसमें कुछ चीज़ें मैंने विल्दान के लिए ऑर्डर की थी। कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए है, गाजर, मैंने गाजर की जो है वो एग नूडल्स बनाए थे विल्दान के लिए, वो मैंने शायद इंस्टाग्राम पे अपलोड किए हैं, और रेसिपी अपलोड नहीं की बट यस पिक्चर्स अपलोड किए हैं, वीडियोज़ अपलोड किए हैं खिलाते टाइम अपलोड किया है, और आप जाके हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं BLW फोल्डर के नाम से। ये मैंने विल्दान के लिए सेरेलेक ऑर्डर किया था, ये सेरेलेक जो बच्चे क्रॉल कर रहे होते हैं उनके लिए है, और यानी 8 मंथ्स प्लस बच्चों के लिए, बहुत यमी होता है, मैंने भी टेस्ट किया था, मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद आया। तो अगर आपका बेबी 8 मंथ प्लस है आप ज़रूर ये वाला जाके चेक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसका पैकेट मैं इंस्टाग्राम के हाईलाइट फोल्डर में अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं ये कौन सा वाला सेरेला के साथ ही मैंने सेल्फ रेजिंग फ्लावर ऑर्डर किया था विल्दान के लिए। मैं बहुत जल्दी कुछ बेकिंग आइटम्स बनाने वाली हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करूँ, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करूँ, तो मैंने जो है ये ऑर्डर कर दिया। फिर एग नूडल्स विल्दान के लिए और पास्ता स्पगैटीज़ मेरे लिए हैं, डॉन का ब्रेड, कुरकुरे और स्प्राउट, सब जो है वो मैंने अपने लिए ऑर्डर किए थे। मुझसे किसी ने कहा था कि आप प्लीज़ विल्दान के रूम की वीडियो अपलोड करें। विल्दान का रूम काफ़ी अरसे से, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ट्रैवल कर रही थी शायद प्रीवियस वीडियो में भी, तो उसकी वजह से विल्दान का रूम मैं बहुत अच्छे से सेट नहीं कर सकी। हाँ मैंने एक वॉल सेट की हुई थी, साथ में बेसिनेट रखा हुआ था, लेकिन फिर विल्दान बड़े हो गए और बेसिनेट से बाहर आ गए, तो वो बेसिनेट मैंने बाहर निकाल के उसको बंद करके रख दिया है। ये मेयोनीज़ और सेवैयाँ जो है, मैंने मेयोनीज़ ऑर्डर की थी सैंडविचेस के लिए, अपने लिए, बच्चों को आप मेयोनीज़ नहीं दे सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें मेरे लिए हैं और घर के लिए हैं। तो फिर मैं रूम के बारे में बता रही थी, फिर ये है कि अभी तक रूम को प्रॉपरली सेट नहीं किया है, मैं प्रॉपर सेट करूँगी और ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी। मुझे इसके अलावा भी कमेंट्स आए थे कि आप प्लीज़ काइंडली हमें विल्दान की टॉयज़ दिखा दें। विल्दान की टॉयज़ की एक वीडियो मैं टिकटॉक पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अब मैं ऐसा करूँगी कि वन बाई वन आप लोगों को टॉयज़ के बारे में बताऊँगी कि कौन से टॉयज़ किस मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप चाहे तो ले लीजिए। यहाँ पर विल्दान जो मुझे मैंने जो टब प्रिपेयर किया था उनमें बिठा दिया, और क्योंकि मुझे अभी ढेरों काम करने हैं, काफ़ी कुछ करना है, तो ये जो फिजिट स्पिनर्स है ये मैंने यहाँ पर लगा दी है, और ये जो है देखे कैसे खेल रहे हैं आप लोगों के सामने। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं, ये थोड़ी सी क्लिप्स आप लोग देख लें जिससे विल्दान नहा रहे हैं। Wash, 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 wash. Mama, see mama. 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 इसके साथ ही मामा विल्दान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। अपने तमाम इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे और विल्दान को, हमारी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।